को मालूम है कि इस देश में हमारे लोगों के ऊपर, दलित समाज के ऊपर अत्याचारों की बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है, और आप सभी लोगों ने देखा होगा अभी तो बहुत बहुत बुरे हाल है। अभी जल्दी में घटना घटी लखीमपुर खेरे की, जहां छह आदमियों ने मिलकर दो बहनों के साथ, नाबालिग के साथ कुकर्म किया, फिर मर्डर किया, यही नहीं छोड़ा, उसके बाद उनको पेड़ पर लटका दिया। लटका करके मतलब था हम लोगों को बताना कि ये हाल कर सकते हैं हम, और हमने तमाशा देखा, सारा देखा, लेकिन किसी के कान पे जो नहीं रहेगी। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो बातें हम लोग चाह रहे हैं कि अत्याचार कम हो, और आप तो सबको मालूम है इतने जघन्य हत्याकांड हो चुके हैं, किसी भी केस में आज तक कोई फांसी नहीं हुई, किसी को कोई सजा नहीं हुई, तो हम लोग यदि यही देखते रहे और यही कमियां रही हैं तो कैसे होगा। इसके लिए ये पॉइंट दिया है कि हमारे हर गांव में, हर गांव में 5-7-10 लाइसेंस दिए जाएं, आर्म्स भी खरीद के दिए जाएं। यदि हमारे घरों में आर्म्स लाइसेंस वगैरह हो गए तो जो लोग जुलमी अत्याचारी हैं, जो इस तरह की अपनी नियत रखते हैं, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ ये दबाव रहेगा कि यदि इनके घर, गांव में, मोहल्ले में, इनके घरों में जाके हमने कोई इस तरह की कोशिश की तो ये लोग गोली भी मार सकते हैं। तो हमारे भी कोई नौजवान या दूसरे आदमी कोई चूड़ी तो पहन के बैठे नहीं, लेकिन वो बेचारे उनके पास कुछ है नहीं, इस वजह से वो ज़्यादा अत्याचार होते हैं। यदि होगा तो कुछ हद तक हम लोग इसमें सक्सेस होंगे। दूसरा मेरा इसमें मुद्दा था कि इसमें जो फंड है उनके पास पैसा नहीं होता है, तो हमने कहा जो हमारा बजट है, जो आबादी के अनुपात में, जैसा मैंने कल सारा बताया था बजट का मामला, यदि वो बजट हमारा आबादी के अनुपात में बजट का हिस्सा मिल जाए तो हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। और हमने कहा था कि गवर्नमेंट हमारे फंड से, जो हमें बजट फंड है उससे खरीद करके आप दे, हर गांव में पूरे देश में चालू करें, तो ये मामला सुलझ सकता है। दूसरा हमने साथ साथ ये कहा था, जिनको जहाँ जघन्य अत्याचार हुए हैं, मर्डर हुए हैं, बुरे, बहुत बुरे बुरे हालात हुए हैं, वहाँ पर इस तरह की कोई सजा नहीं हुई, चाहे वो खैरला जी हुआ हो, चाहे बाथम का है। देखा होगा आपने 54-55 आदमी, जो आदमी मारे गए थे सारे जितने बंद थे, हाईकोर्ट ने सब ठोक दिए, कहते कोई नहीं मर्डर हुआ। अब उनसे पूछो हरामियों से कि भाई तुम्हें ये नहीं दिखता गया कि भाई ये आदमी मरे, तो साथ तो हुआ इतना बुरा जुलम है कि भाई ये आदमी मरे हैं, बाकी के केसेस में तो तुरंत वो कहते हैं कि भाई ये दोबारा केस वापस भेजो, या CBI को दे दो, या SIT को दे दो, इंक्वायरी अपने देखने में करते हैं। लेकिन जब हमारा मामला आता है तो कभी कभी एक भी केस आज तक ऐसा नहीं हुआ जो दोबारा इंक्वायरी के लिए भेजा हो। तो मैं ये अनुरोध करूंगा कि जो लोग हमारा है, मैं इसमें एक संशोधन दे रहा था, जब एट्रोसिटी नहीं होती है, जो कानून है उसमें एक मेरा संशोधन था, उसके ऊपर विचार करने के लिए मुद्दा रखा है। मुद्दा ये है कि ज्ञान सुधा मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और एक यू ललित जो अभी रिटायर हुए हैं, दोनों ने जब ये निर्भया कांड हुआ था उस समय इन्होंने सजेशन दिया था कि यदि दलितों पर अत्याचार को रोकना है तो उसके लिए जरूरी है कि जो स्पेशल कोर्ट बनाए जाए उनमें मुकदमा चले। दूसरा ये कहा था कि जहां पर कोई भी जघन्य हत्याकांड होता है वहां 24 घंटे के अंदर जुडिशियल अफसर जाए और उसके साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हों, और जाकर के वो लोग जघन्य अपराध जहां हुआ है वहां पर पीड़ित पक्ष के बयान ले, और वहीं पर जो गवाह मिले उनके गवाह के सबके सामने बयान ले, वही बयान फाइनल हो, उसके बाद दोबारा पीड़ित पक्ष को या गवाहों को कोर्ट में गवाही के लिए नहीं बुलाया जाए, या जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ है एट्रोसिटी एक्ट में ये प्रावधान किया जाए कि उसको दोबारा ना बुलाया जाए, जिससे कि वो केस विद इन 1 ईयर उसका फैसला हो सके। अभी क्या होता है, वो लड़की हो या जगत पे जहां भी घटना घटी हो तो उनको बुला करके क्या बेइज्जती होती है आप सब जानते हैं, कोर्ट में किस तरह का होता है। तो जो जुडिशियल अफसर जाएगा वही फाइनल अथॉरिटी रहेगा, तो फाइनल अथॉरिटी ने जब बयान ले लिए तो उसके बाद दोबारा
शासक प्रशासन के सामने बयान हो चुके थे, दोबारा उन्हीं के ऊपर फैसला होगा, फिर उसके बाद दोबारा किसी भी आदमी को ना बुलाया जाए। इस संशोधन के लिए मैंने ये पॉइंट मुद्दा आपके सामने रखा है। आप इसको यदि ये समझते हैं कि ये जरूरी है, क्योंकि 15-15 साल के चलता है, कुछ लोग मर लेते हैं, गवाह मर जाते हैं, मुद्दे ही मर जाते हैं, या और इतना केस पुराना हो जाता है, लोग थकान में बैठ जाते हैं। दूसरी ये है कि हमारे वकील इतने होते नहीं है, जो वकील हैं या गवर्नमेंट से वकील मिलते हैं वो लोग जनरल कास्ट के होते हैं, वो उन्हीं का फेवर करते हैं और किसी को कोई सजा नहीं होती। तो इस तरह से मांगे सारे हो बिगड़ जाते हैं, कुछ होता नहीं है। इसलिए ये जो संशोधन मैंने आपके सामने लिया है, इसको प्रस्ताव के रूप में माना जाए और इसको पास किया जाए कि हम लोग ये मांग रखें सरकार के सामने कि जो जहां भी जघन्य अपराध हुआ है 24 घंटे के अंदर जुडिशियल अफसर जाए, ये एट्रोसिटी एक्ट में इसका सुधार हो। कहीं भी ऐसी एसटी के साथ इस तरह हुआ है तो वो जाकर के मौके पर गवाहों के बयान भी ले ले, पीड़ित पक्ष ले, दोबारा उनको ना बुलाया जाए और ये स्पेशल कोर्ट हो, एक साल के अंदर अंदर अगले को सजा सुनाई जाए। ये संशोधन है, आप इसके लिए सहमत है तो हाथ उठा करके इसको समर्थन करें। यदि कोई इसमें और भी कोई संशोधन अपना सुझाव देना चाहता है तो हम नोट करेंगे और उसको भी इसमें देख लिया जाएगा। आप लोगों को और सुधार की बात